number or something. हाँ प्रिय बच्चों आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा पांचवी में सब्जेक्ट हिंदी में पाठ आपका 21 है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग में सबसे पहले फल त्याग, फल त्याग की बात कर रहे हैं। तो पुंडरीक का चरित्र फल त्याग का गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए, परंतु पांडुलिक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची सच भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुंचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की वो भक्ति भक्ति नहीं कहलाएगी, वो तो आसक्ति हुई। वो क्या हुआ? आसक्ति। पांडुलिक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं, उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, वो क्या इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी। वो भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझे मिलने के लिए आए हैं, मैं जानता हूं, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूं। आप ही अकेले भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो आप भी भगवान है और ये माता पिता भी, इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं ही सेवा करने में निमग्न हो गया। कर्म और भावना प्रेरक प्रसंग पाठ 21 निकाल ले हिंदी में। पाठ 21 देखे बच्चों, पाठ 21 में देखिए कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं। उनमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें है क्या? दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन, ऐसे दो गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? दूसरा कहता है, भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकली है, शंकर के जटाजूट में इसने वास किया है, अनंत कुंड कृत इसके तट पर हुए हैं, ऐसी ये पवित्र गंगा माई है। इस भावना से अब डूब होकर वह उसमें नहाता, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। अब देह शुद्ध रूपी फल तो दोनों को मिला ही, परंतु उस भक्त को देह शुद्ध के साथ ही चित्त शुद्ध रूपी फल भी मिला। यूं तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मैल कैसे धुलेगा? एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। अब आता है बच्चों तीसरा पॉइंट, आत्मा की अमरता।
आत्मा की अमरता सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। उसने कहा मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। चार दिन के बाद देह छूटने वाली ही थी। जो मरने वाला था उसे मारकर आप लोग कौन सी बहादुरी कर रहे हैं? जरा सोचो। तो ये शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला, जो मरने वाला है उसे मारने में कौन सी बहादुरी है? जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था उससे पहली रात वो शिष्यों को आत्मा के अमृत की शिक्षा दे रहा था। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी इसका वर्णन वो मजे से कर रहा। उसे इसकी रत्ती भर भी चिंता न थी। आत्मा की अमरता संबंधी ये चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, मरने पर आपकी अंत्येष्टि कैसे की जाए? उसने जवाब दिया, खूब वे मारेंगे और तुम गाड़ोगे, तो क्या वे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो? वे अकलमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे, तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले? मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। मरने वाले की आत्मा अचर और मार सकता है, सुकरात जी कहते हैं। उसने जवाब दिया, मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला। किसमें गाड़ोगे मुझे, मिट्टी में या नाश में? मुझे ना कोई मार सकता है ना कोई गाड़ सकता है। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को? आत्मा अमर है, उसे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता है? और सचमुच आज को 2500 वर्षों से वो महान सुकरात सबको गाड़ कर जिंदा है। तो आइए बच्चों इसमें प्रश्नोत्तर देखेंगे। कुंडली से भेंट के लिए कौन दौड़े आए? ये आपका पाठ है, तीन संदर्भों में था, फल त्याग, कर्म और भावना, फिर है आत्मा की अमरता। अब इसमें देखेंगे कर्म और त्याग, फल त्याग। तो इसमें फल त्याग में प्रश्नोत्तर है आपके, इसको प्रश्नोत्तर को नोट करना है बच्चों। पाठ 21 सियम। 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 क्या है? ईबीएस की क्लास नहीं आ रही? सर क्या दौड़ रहे हैं? ए सर ढूंढ को रहे हैं, मेरे को नहीं पता। नहीं पता पूछ लेगा? पूछ ले, तो मुझसे बड़ा है तो पूछ। अगर तो मुझसे बड़ा है तो पूछ। अरे तुम बड़े हो भाई, मैं छोटा हूँ। अच्छा तो कितने पड़ता?
हाथ में सेक्शन कितना है मेरा ये है ना तो भी बड़ा की है भी छोटा है बड़ा है ए, सही यार ये छोटा है भी बड़ा ए, ए बड़ा होता है भी बड़ा होता है सर 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 जी को सुनाई नहीं दे रहा सर अभी तक प्रश्नोत्तर दौड़ रहे थे किसानों के पालों के किसानों के काम कहाँ से आ रहा है? ये किसानों के काम कहाँ से आ रहे किसानों के कामों में किस प्रश्न है किसानों के कानों में किसी की बुरी बुद्धि नहीं है उत्तर में श्याम लिखवा रहे हैं मेरा लिखा मुझको लिखना है हाँ हाँ पाठ अठारह के लगता है लिखवा रहे रामगढ़ की रानी कौन थी सजी रानी अवंती बाई रामगढ़ की रानी अवंती बाई सर को रामगढ़ की रानी अवंती बाई थी रामगढ़
अच्छा त्रिपाठी प्रश्नोत्तर पाठ 18 के पढ़ा पाठ क्या पढ़ाए हैं पाठ की सर्दी का 16 अगस्त ज्यादा नहीं 16 अगस्त सर 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 तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाते सही जोड़ी बनाइए तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाना है इसमें कारज नंबर एक में आता होगा कारज 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 किसका सही जोड़ा सही जोड़ी बनाइए कारज कार्य कारज का हो गया कार्य
फिर है मर्यादा, दूसरे नंबर मर्यादा, तो इसको शुद्ध करना है मर्यादा, मर्यादा इसके बाद है धरती, इसमें नंबर धरती सूर्य, चौथे नंबर में सूर्य। सर जी सूर्य का होगा सूर्य सर राधे श्याम, राधे श्याम क्या है सर जी को दे के। पाठ इक्कीस प्रेरक प्रसंग फल त्याग प्रश्न उत्तर लिखा है पाठ। अब सर जी मैं सुना लिखूंगा कर्म और भावना। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं। उनमें से एक कहता है लोग गंगा और गंगा कहते हैं उसमें है क्या जो इससे हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन, ऐसे दो गैस एकत्र कर दिए हैं तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या। स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वो आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभाव फैलती है, आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से मिलेगी। कर्म वही परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ सकता है।
आत्मा की अमरता निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है। आसक्ति, कृत्य, तुच्छ, अमरत्व, पद कमल, आरोग्य, अल्प, वेदनाएं, निमग्न, स्फूर्ण, अनमोल, देह शुद्धि, सृष्टि, अंत्येष्टि, प्रभा, अमूल, उत्कर्ष, पद कमल, अभिभूत, चित्त शुद्ध। पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए? पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था? गंगा ने कहा वास किया है, पूरे नमस्कार से क्या लाभ है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पुंडलीक का चरित्र का आदर्श सामने रखता है। फल त्याग, डांडा को विष देकर मारने की सजा दी गई। सुकरात, आत्मा डांडा है, आत्मा अमर है। अपने आपने अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार करते हैं लिखिए। मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर एक आलेख तैयार करें। सूर्य नमस्कार आसन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? श्रीमद्भागवत गीता के अन्य प्रेरक प्रसंगों की जानकारी प्राप्त कर उसे संकलित करें। तो ठीक है बच्चों, आप सभी से नमस्कार और अगला पाठ है अगले दिन होगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नहीं।